सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिले सदर सद्दाम खान तरीन ने पार्टी अरकान की हमरा जिले दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 8 नवंबर हॉकी ग्राउंड क्वेटा में पीटीआई का जलसा है, लिहाजा हरनाई समेत सिपी डिवीजन और पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें शिरकत करें ताकि इमरान को रिहाई मिल सके, मुल्क से जबर और जुल्म खत्म हो, लाकानूनियत खत्म हो, आइन की बालादस्ती हो और इस बौसीदा निज़ाम का खात्मा मुमकिन हो सके और फिर इमरान खान की रिहाई के लिए खत्मी कॉल को लाजमी फॉलो करें। हमने इस जबर का खात्मा करना है। हम जमहूरी अंदाज से खान की रिहाई के लिए मुल्क में बालादस्ती तक अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा मजीद कहा कि हर राय में TTP और दीगर कलअदम तंजीमों की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नजीबुल्ला शाह, ग्रेट न्यूज हर राय। तो आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैं खुद अपनी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। मिडिल क्लास होने के बावजूद, नौजवान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया और इसके अलावा मरकज़ के सतह पे मुझे हमेशा एक्टिविटी में शरीक भी रखा। यानी कहने का मकसद ये है कि आप अगर अपने सूबे में तब्दीली चाहते हैं और सियासी मरूसी सियासतदान जो है उनका खात्मा चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ मजबूत करें और 8 तारीख के जलसे में शिरकत करके साबित करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ पाकिस्तान के दीगर सूबों की मकबूल जमात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बलूचिस्तान की भी सबसे मकबूल जमात है और आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो।